कलर्स टीवी के फैंटेसी रियलिटी शो नागिन 6 में प्रथा अब तक इस बात से अनजान है कि उसके पिता देश के सबसे बड़े असुर हैं, क्योंकि यह शेष नागिन कभी यह नहीं सोच सकती कि उसके खुद के पिता ही इस देश को धोखा देकर महामारी फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा कि प्रथा अपने पिता को गुजराल हाउस में लेकर आती है। वह अपने पिता का राज अपने ससुराल वालों से छुपा कर रखती है और वह उन्हें कहती है कि उनके साथ उनके गुरु आए हैं। दूसरी तरफ प्रथा के पिता भी गुजराल हाउस में एंट्री करने के बाद काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वह अपने मंजिल के एक कदम करीब आ गए हैं। भले ही प्रथा के पिता देश में महामारी फैलाकर इसे बर्बाद करना चाहते हों, लेकिन वह अपनी बेटियों पर निशाना नहीं साधना चाहते। लेकिन फिर भी बड़ी चालाकी से वह अपनी बेटियों के हाथों से देश को बर्बाद करने की प्लानिंग कर चुके हैं। प्रथा के जन्मदिन के मौके पर वह उनके साथ अपने पुराने घर चले जाते हैं। पुराने घर जाकर प्रथा अपनी बहन और पिता के साथ भगवान शिव की प्रार्थना करती है। इस दौरान अपनी नाभि का नागमणि शेष नागिन प्रथा शिव को समर्पित करती है। नागमणि समर्पित करने के बाद प्रथा शिव भगवान पर दूध का अभिषेक करती है और फिर नागमणि को वापस लेकर प्रथा उसे पानी के कलश में डालकर भगवान के ध्यान में मग्न हो जाती है। अपनी दोनों बेटियों को शिव के ध्यान में मग्न देख उनके पिता छुपके से असली नागमणि अपनी जेब में रखते हैं और बदले में नकली नागमणि पानी के कलश में रखते हैं। पिता के धोखे से अनजान प्रथा नकली नागमणि अपनी नाभि में समा लेती है। नागमणि हाथ में लगने के बाद अब नई प्लानिंग शुरू हो जाती है। प्रथा को अब तक एहसास नहीं है कि उसकी शक्तियां छीन ली गई हैं। दरअसल शेष नागिन की सारी शक्तियां उनके नागमणि में हैं और उसके बगैर वह कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे में कमजोर परिस्थितियां में अगर प्रथा पर कोई हमला करता है तो वह खुद को बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगी। जैसे कि प्रथा के पिता को डर था, बिल्कुल वैसे ही उनकी बेटी के साथ होने वाला है, क्योंकि प्रथा ऋषभ के साथ जिस दुकान में गई है वहां पर बंदूक लेकर लुटेरे घुस आए हैं। अब उनके चंगुल से शेष नागिन प्रथा और उनके पति ऋषभ खुद को किस तरह बचा पाएंगे, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। आपके कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए और देखते रहिए फीफा फोर्स टीवी इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।